हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट आज की इस क्विक वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉटेंट टर्म्स प्रोविजंस रिलेटेड टू इनकम टैक्स रिटर्न सबसे पहली बात इनकम टैक्स रिटर्न क्या है तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एस ने फुल डिटेल बतानी है कि पिछले साल मुझे इतनी इनकम हुई है और ये मेरी जो है टैक्स लाइबिलिटी बनती है आई टी आर इनकम टैक्स रिटर्न दूसरा बात किसके लिए मैंडेटरी है आई को फिल करना इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है आई जो है वो कोई भी रिटर्न फिल कर सकता है इवन अगर आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती तो भी तो भी आपको आई फिल करने के एडवांटेजेस होंगे बट यस अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप अपनी रिपोर्ट्स को ऑडिट करवा रहे हैं जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म के केस में फर्म अपने बुक्स को ऑडिट करवा सकती है उस केस में आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपने आई को फिल करना है अब एक और बात बहुत ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न के केस में वो है ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न थर्टियथ सितंबर ड्यू डेट है किसी भी कंपनी के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी बुक्स ऑडिट हो रही है उसने या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म में वर्किंग पार्टनर है उसके लिए भी थर्टीएथ सितंबर है ड्यू डेट टू तो फाइल द रिटर्न इन केस ऑफ एन एस एस सी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन केस ऑफ द ट्रांसफर प्राइसिंग आपने कोई गुड्स ट्रांसफर की हैं उसके ऊपर प्राइसिंग की आप प्रोविजन लगा रहे हैं तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की वो है थर्टियथ नवंबर इन दोनों के अलावा कोई भी और एसएससी जैसे कि इंडिविजुअल ले लीजिए आप और हम हमारी सैलरी आ रही है तो हम भी रिटर्न जो है अपने फाइल कर सकते हैं उस केस में ड्यू डेट रहती है थर्टी फर्स्ट जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर तो तीन डेट्स आपको याद रखनी है थर्टीएत सितम्बर थर्टीएथ नवम्बर एंड थर्टी फर्स्ट जुलाई एक और पॉइंट गवर्नमेंट जो है इन डेट्स को एक्सटेंड भी कर सकती है जैसे कि पिछले साल कोविड नाइन्टीन के चलते हुए बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट था इस्टिपुलेटेड इस डेट के अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्नस को फाइल करना तो उस केस में गवर्नमेंट ने जो डेट है वो थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक भी एक्सटेंड कर दी थी नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं ये मैंने ना कुछ डेटा लिया है जिसमें मैंने बताया है कि क्या ओरिजिनल डेट थी और किस तरह एक्सटेंड कर देंगे जैसे कि इंडिविजुअल प्रोफेशनल स्मॉल बिजनेस के केस में वैसे थर्टी फर्स्ट जुलाई होती है लेकिन ट्वेंटी ट्वेंटी में एक्सटेंड करके इस डेट को थर्टी फर्स्ट दिसंबर कर दिया गया था वही वर्किंग पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उसके केस में थर्टी फर्स्ट अक्टूबर लास्ट डेट है जिसको एक्सटेंड करके थर्टी फर्स्ट दिसंबर कर दिया गया था नॉन वर्किंग पार्टनर के केस में थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है ओरिजिनल डेट ऑडिट केस में यानी कि कंपनी टैक्स ऑडिट के केसेस में वैसे थर्टी फर्स्ट अक्टूबर होती है बट गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सटेंड करके थर्टी फर्स्ट दिसंबर कर दिया गया था लेकिन रिवाइज रिटर्न बिलेटिड रिटर्न के केस में इन डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया गया था अब आपको ये समझना है कि रिवाइज रिटर्न बिलेटेड रिटर्न इनके क्या मतलब है तो मैं सबसे पहले आपको यही समझाऊंगी अगर तो आप इन ड्यू डेट्स के अंदर अंदर रहते हुए अपने रिटर्न को फाइल कर देते हो तो उसको कहते हैं ओरिजिनल रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न मीन्स वैलेट रिटर्न फाइल विद इन द ड्यू डेट ऑफ द पर्टिक डिपेंड्स ऑन दी एस एस सी ठीक है अगर आपके लिए थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर से अगर पहले पहले आपने कर दी है तो उसको ओरिजिनल रिटर्न कहते हैं रिवाइज रिटर्न कई बार आपको लगता है कि मैंने जो रिटर्न फाइल की थी उसमें कुछ इनकम मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाई या फिर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर किसी भी तरीके से आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को उस केस में आप उस रिटर्न को चेंज कर सकते हैं इसे हम कहते हैं रिवाइज रिटर्न वेन एंड असेसी सक्सेसफुली फाइल हीज रिटर्न बट सबसिक्वेंटली रियलाइज ही हैज़ ईदर मिसड सम इंफॉर्मेशन और हैज़ नॉट डिसक्लोज द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली और एनी अदर रीज़न फॉर विच ही विश टू फाइल हिज रिटर्न अगेन अगर आप दोबारा से रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो इसको हम रिवाइज रिटर्न कहेंगे द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न इज बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तो जिस असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं उसके एंड होने से पहले पहले आप रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हैं बिलेटेड बिलेटेड का मतलब है कि अगर ड्यू डेट हो जाने के बाद आप रिटर्न को फाइल करते हैं या फिर दूसरे टर्म में लेट रिटर्न लेट रिटर्न को क्या कहते हैं बिलेटेड रिटर्न अब आपको एक और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि किन कि के लिए ई e फाइलिंग अपना इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है ठीक है तो किन के लिए ये मैंडेटरी है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर ऑल दी कंपनीज एंड कंपनीज रिक्वायर्ड टू गो फॉर द डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो जब वो फाइल कर रही हैं अपने रिटर्न को तो डिजिटल सिग्नेचर्स आदमी अटैच करके अपलोड करेगी सेकेंड पार्टनर्स के केस में इंडिविजुअल के केस में एच यू एफ के केस में इन सब के केसेस में जहाँ पर भी टैक्स ऑडिट हो रहा है वहाँ रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी है अब बात करते हैं इंडिविजुअल के केस में आप और हम हमारे केस में अगर इनकम पाँच लाख से एक सीट जाती है किसी भी साल उस साल आपका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का होना उस केस में ऑप्शनल रहता है अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगी वो है रिलेटेड विद पैन कार्ड पैन कार्ड आपने बहुत बार सुना होगा परमानेंट अकाउंट नंबर तो ये एक ऐसा कोड है जो कि हम इंडियंस के लिए आइडेंटिफिकेशन का काम करता है ये स्पेशली हम इनकम टैक्स को जब फाइल करते हैं उस केस में पैन कार्ड को यूज़ करते हैं अब आपने ना यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखनी है कि पैन कार्ड दस करेक्टर अल्फ़ानुमेरिक आइडेंटिफायर है अल्फाण का मतलब देखिए इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और इसमें कुछ नंबर्स भी होंगे तो आपको याद करना है ये टोटल टेन होते हैं और इसमें फर्स्ट अल्फाबेट फर्स्ट जो है हमारे पास थ्री अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट सीरीज नंबर होता है उसके बाद सेकंड जो है वो हमारा स्टेटस बताता है अब स्टेटस का मतलब क्या है कंपनी के लिए सी यूज़ करते हैं पर्सनस के लिए पी इंडिविजुअल्स के लिए पी एच यू एफ के लिए एच फॉर्म के लिए एफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए ए उसके बाद ट्रस्ट के लिए टी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए बी लोकल अथॉरिटी के लिए एल आर्टिफिशियल ज्यूरिटिकल पर्सन के लिए जे और गवर्नमेंट के लिए जी यूज़ किया जाता है ठीक है ये आपने ज़रूर याद करना है उसके बाद फर्स्ट करैक्टर जो है वो असेसी के नाम का होता है उसके लास्ट नेम का यानी कि उसके सर नेम का उसके बाद फिर हमारी सीक्वेंस uh, की सीरीज़ नंबर स्टार्ट होता है लाइक जीरो ज़ीरो वन ज़ीरो 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 टू इस तरह से फ़ोर सीरीज नंबर होंगे और फिर लास्ट में हमारा चेक डिजिट नंबर होता है ठीक है तो ये टोटल टेन करेक्टर्स इसमें रहेंगे आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगेगी इससे रिलेटेड मैंने एम भी अपलोड किए हैं उसे भी ज़रूर देखिएगा थैंक यू एवरी